बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन घर घर की आवाज़ और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी बराए रास्त कश्मीर क्राउन स्टूडियोज से आपके सामने हाजिर। और मेरा साथ इस प्रोग्राम में दे रहे हैं मेरे ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद। नाज़रीन, अगरचे हम बात करें तो कई एक दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर कन्फ्यूजन चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो है फेक जो न्यूज़ है फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है कि COVID-19 वैक्सीनेशन की वजह से आने वाले 2 सालों के अंदर जितने भी लोग ये वैक्सीन लेंगे उनकी मौत वाकया होगी। लेकिन नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक से। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर बराह रास्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कई एक दिनों से जो है लगातार सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन की वजह से आने वाले 2 सालों के अंदर जितने भी लोग वैक्सीन लेंगे उनकी मौत वाकया होगी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा तफसीलन आप बता दें कि ये अफवाहें कौन कर रहा है, क्या वैक्सीनेशन से वाकई किसी की मौत हो सकती है या नहीं? जी, मेरी गुजारिश है इन कर्म फरमाओं के लिए जी, जो दुनिया में अभी जो इंसानियत है पूरी परेशान है जी। और ये कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठा के लोगों को और परेशान कर रहे हैं जी। मेरी गुजारिश है इनसे कि बराए करम इंसानियत पे तरस खाएं, इंसानों को और परेशान ना करें। ये सारी जो है ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसका हवाला किसी एक साइंटिस्ट से जोड़ा गया जिसकी, अगर किसी ने भी ऐसा कहा है इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये उस एक आदमी की अपनी जाती राय हो सकती है। और मुझे लगता है बल्कि जो अभी जो वैक्सीनेशन है ये एक सहारा है, ये एक छड़ी है जिसकी मदद से हम ये जो बमर है अभी इसका कोविड का, इसको पार कर सकते हैं। इसको हमें एक छड़ी की तरह, एक सहारे की छड़ी की तरह लेना चाहिए और इसको कहीं से भी हम लोगों को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि खुदा नकास्ता। देखिए, दुनिया भर के साइंटिस्ट जो है, दुनिया के डॉक्टर्स जो है, दुनिया भर के साइंटिस्ट जो लगे हैं वो इस वैक्सीन की खोज में पहले लगे थे। अब शुक्र है अल्लाह का ये वैक्सीन हमारे हाथ आ गया, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जितनी भी बीमारियां आज तक मौलिक बीमारियां थी, जो वबाई बीमारियां थी, वो सब जो है उन सब को का कंट्रोल जो है वो वैक्सीन से ही हुआ। आपको पता है हम जो आज नवजात जो बच्चे होते हैं तो इन नवजात बच्चों के लिए जितने भी वैक्सीन के प्रोग्राम्स हैं ये पहले इनको बचपन से ही वैक्सीन दिए जाते हैं। सो वैक्सीन का बुनियादी जो है गोल है, बुनियादी मकसद जो है ये इस बीमारी के लिए जिस्म में एक ऐसा निजाम पैदा कर जिससे ये बीमारियां इंसान के जिस्म पे हावी ना हो। सो अब इस हवाले से कि ये जी खुदा नखास्ता सारे लोग मरने जा रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं, मनगढ़ंत अफवाहें हैं। और मेरी लोगों से, अपने लोगों से अपील है, एक खुशायन बात है कि लोग जितने आज जोश जज्बे के साथ वैक्सीन के लिए आते हैं ये खुशायन बात है। और इसी तरीके से, इसी तरह से हम इस बीमारी को जो है इसको हम इस पे हम अपनी जो कामयाबी है वो हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे और एक सवाल जानना चाहूंगा कि अगर हम देखें लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी कमी जो कोविड केसेस में है देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पहले जो है 5,000 या उससे पहले 6,000 के करीब केसेस आए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कमी वाकया हो रही है, आज 2,000 या 2,700 या 2,500 केस आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीन भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या वैक्सीन से भी ये थोड़ा सा कंट्रोल हो गया या खाली जब लोग अमल करते हैं SOPs पे तब ये बीमारी कंट्रोल होती है? मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी जो केसेस में जो कमी आई जी, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमने स्टडी की, जो हमने डाटा देखा, जो इस बार जो ज्यादा सफर हो गए, जो मैक्सिमम पेशेंट्स जो सफर हुए कोरोना से उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं ली, तो वैक्सीन का इसमें बहुत अच्छा मुस्बत रोल है। दूसरी बात है कि हमारे लोगों को बड़ी दुश्वारियां उठानी पड़ी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन उस लॉकडाउन का नतीजा जो उन्होंने मुश्किलें इसमें उठाई,
जो उन्होंने एक वो इसको उनको एक ये मुश्किलें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन उसका ये नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि केसेस में कमी आई। ये बहुत खुशायन बात है, लोगों को इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ये खुशायन बात है कि केसेस कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर पे आपसे जानना चाहूंगा कि जनरल पब्लिक के लिए, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है, आपकी क्या मैसेज होगी लास्ट पे? मेरी ये मैसेज है डॉक्टर सचिन कश्मीर की तरफ से कि इंशाल्लाह देखें, ह्यूमैनिटी पे, मैनकाइंड पे, इंसानियत पे बहुत सारी मुसीबतें आई है और हमेशा इंसानियत जीती है। हमेशा ये जो है मुश्किलें हमने पार की है, ये चाहे अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, हमारे कश्मीर की बात करेंगे तो ये जो लॉरेंस साहब ने जो बुक लिखी है द वैली ऑफ कश्मीर, के ऐसे बड़े बड़े एपिडेमिक्स आए हैं तो इंसानियत ने जीता है। हम इंशाल्लाह जीतेंगे, ये जंग भी जीतेंगे, ये एक छुपी हुई जंग हम अभी जो है पूरी इंसानियत लड़ रही है। लेकिन एक चीज है, ये दौर रहेगा नहीं, लेकिन एक चीज याद रहेगी कि इस दौर में किसने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो हमें उस चीज का, हमें अपने आप पे ये चीज देखना चाहिए कि हम आगे, इसके आगे जब ये मुश्किल पार होगी तो हमें कहीं अपने आप पे अफसोस ना करना पड़े। हम भी खुशी से कहें कि नहीं, हमने एक जिम्मेदार रोल निभाया। छोटी सी चीजें हैं, देखिए केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो अपना गॉड है उसको कम करें। गॉड के लिए बहुत जो है ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए मास्क लगाना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, मास्क लगाना अच्छी बात है, इससे अच्छा कि अस्पताल में जाके आदमी फिर वो वाली ऑक्सीजन मास्क लगाए, उससे अच्छा है ये फेस मास्क लगाए। और फिर सैनिटाइजर का यूज करना, ऐसे भी सफाई नस्व ईमान है तो अच्छी बात है, सैनिटाइजर का यूज करेंगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग की ये बात है कि कहीं पे हमें भीड़ भाड़ में इन चीजों में शामिल नहीं होना है। और फिर वैक्सीन जो है इसका जो हम है इसके लिए आगे आए, तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें जब हम करेंगे, हम भी फखर से कल बोलेंगे कि हमने कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी थी और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। बहरहाल नाज़रीन, बात कर रहे थे डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ टाक साहब, जिनका ये कहना है कि इंशाल्लाह हम जो ये जंग है ज़रूर जीतेंगे, लेकिन तभी जीत पाएंगे जब हम कोविड SOPs पे पूरी तरह से अमल करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केसेस में आए रोज़ कमी वाक़ हो रही है तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें और भी एहतियात बरतना है ताकि ये बीमारी जो है पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क से दूर हो जाए। बहरहाल आज मैं आपको बता दें कि डॉक्टर साहब ने यह कहा कि जो भी ये अफवाहें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से किसी की मौत हो सकती है, ये सरासर गलत है, ये अफवाहें हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको आगे आना होगा, अब वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि अभी हमारे पास खाली एक ही जरिया है इस वबाई बीमारी से बचने का, और वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन की वजह से इंसान जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो इस बीमारी से लड़ सकता है। बहरहाल नाज़रीन, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त, ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद के साथ, अल्लाह आपका हामी और नासिर, जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कोचिंग फॉर 11th 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स विद वैलीज टॉप फैकल्टी ऑन बोर्ड। विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर, कॉल ऑन 9622888333, 9469888333।